वेलकम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म वैलिडेशन के बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कस्टम मैसेज कैसे डिस्प्ले कर सकते हो अपना। जैसे जो नेम आ रहे हैं, जो मैसेज आ रहा है, आप चाहते हो कि इसकी जगह आप कुछ और जो भी मैसेज देना चाहते हो एक्स वाई जेड वो आएँ, और सिंगल मैसेज कैसे डिफाइन कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़ कि जैसे मान लो आपने टेस्ट भरा, तो यहाँ पर आगे ईमेल आईडी फील्ड इज रिक्वायर और फ़ोन नंबर रिक्वायर, लेकिन जो नेम था वो गायब हो गया, तो ये कैसे ओल्ड वैल्यू आप लेके आ सकते हो, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये मैसेज आ रहे हैं सारे एक साथ आ रहे हैं, इनको एक एक करके दिखाते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो हर एक के लिए हम यहाँ पे एक डिप बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक होता है एरर, और उसमें एरर का जो नेम है, जो नेम होता है एरर का, वो इसी से होता है जो आपका फील्ड का इनपुट फील्ड है, जो उसका जो नेम होगा। अगर ये एरर है तो यहाँ पर आपका मैसेज आ जाए, और इसको हम एंड जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो ये क्या हो गया, एक सेकेंड। अच्छा, एक क्लोज नहीं करा। तो देखो, ये नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो जो मैसेज आपके इसके अकॉर्डिंग आने लग जाएंगे। इसको कॉपी करके आप इसको नीचे डाल दो, और इसको भी इसके नीचे डाल दो। जो फ़ोन नंबर है आपका, जो नेम है वो ये हो जाएगा, और उसके बाद जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी का दिखाएगा। तो ये देखो, नेम फील्ड रिक्वायर्ड, ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड, ये आ गया इसका। अब अगर मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ तो ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, नेम फिल हो के नहीं आया। तो जो वैल्यू फिल हो के नहीं आई है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा आपको ओल्ड और उस वैल्यू का नेम। तो देखो, टेस्ट भर के आ गया इसका, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी नहीं आई क्योंकि इसमें अभी हमने वो डाला नहीं है, वैल्यू सेट नहीं करी है। ये वैल्यू में भी डाल दी, सेम फ़ोन नंबर के लिए कर देते हैं हम। तो देखो, नेम आगे फिल हो गए, ईमेल एड्रेस डालते हैं, ईमेल एड्रेस भी आगे फिल हो गए, फ़ोन नंबर डालते हैं, फ़ोन नंबर भी आ गया, और मैसेज गायब हो गया। और ये हम कमेंट कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम, जो ये मैसेज आ रहे हैं इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक और एरे आप डिफाइन कर सकते हो, एक और पैरामीटर लो, उसके अंदर एरे डाल दो, और अगर आप चाहते हो जितने भी रिक्वायर आ रहे हैं उन सब का नेम चेंज करना है कि प्लीज मस्ट बी फिल्ड। तो जहाँ पर भी ये रिक्वायर लगा होगा उसके उसमें क्या आने लग जाएगा, ये वाला रिक्वायर की केस में हम चेक कर लेते हैं इसको। तो देखो, प्लीज मस्ट बी फिल्ड। अगर आप चाहते हो ओनली नेम के केस में आए, तो आप क्या कर सकते हो, नेम डॉट और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड, तो ये वाला मैसेज केवल नेम के केस में चेंज होगा। तो देखो, नेम के केस में चेंज हुआ, प्लीज मस्ट बी फिल्ड, बाकी में सेम आ रहा है। उसके बाद अगर आपने ईमेल आईडी डाली है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए चेंज कर देता हूँ ईमेल आईडी को, क्योंकि ये फ्रंट एंड से ही चेक कर रहा है ईमेल को। अब यहाँ से हमने ईमेल आईडी अनवैलिड डाल दी, तो मस्ट बी वैलिड। अगर आप चाहते हो कि जो ये जो वैलिड वाला मैसेज है वो भी आपको चेंज करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे।
और हाँ, अगर ये आपके 2-3 जगह लगी हुई है तो उनके लिए आप डिफाइन कर सकते हो कि इस ईमेल आईडी के लिए आना चाहिए डॉट ये, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सब के लिए करना चाहते हो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब इसमें लिख देते हैं प्लीज एंटर वैलिड, चलो इतना ही बहुत है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको करूँगा, सबमिट करा मैंने, तो प्लीज़ एंटर वैलिड, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से चेंज होकर आ गया। तो आपको जितने की भी यहाँ लगाओगे आप सबके लिए चेंज कर सकते हो, और हर किसी के अलग अलग चेंज करना है तो उसके लिए भी डाल सकते हो, जैसे फ़ोन नंबर डॉट रिक्वायर एंटर फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर के लिए अलग मैसेज आएगा आपका एंटर फ़ोन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टम मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपकी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।